अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं आपका होस्ट फलक शेर कैसरानी। मैं आज आपको कुछ BTC के मुतालिक और कुछ अक्टूबर के मंथ के मुतालिक कौन से कॉइन पंप करने वाले हैं उनके मुतालिक बता रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा मकसद बताने का ये होता है कि आप मार्केट के डिप और पंप दोनों से कमाएं, लेकिन कमाने के लिए आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ती है और उस पॉलिसी पे अमल करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि अगले मंथ किन कॉइन के इवेंट हैं। सबसे पहला इवेंट 2 दिन बाद शुरू होने वाला है कावा का। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ कि कावा को परचेज़ कर लें। काफ़ी ज़्यादा दोस्त नहीं परचेज़ कर सके, लेकिन मैं आपको फिर भी कह देता हूँ कि कावा को अभी भी परचेज़ कर लें, अभी भी इसका परचेजिंग जोन है। जो ही कावा का इवेंट आता है तो ये आप दोस्तों के सामने $8 और $9 पे इंशाल्लाह होगा और 40% या 50% इंशाल्लाह पंप करेगा। दोस्तों, उम्मीद काफ़ी है कि आप कावा को परचेज़ करेंगे इसके इवेंट से पहले। आप देख सकते हैं और इसको कुछ टाइम आप देख लें, लेकिन इसका 2 दिन बाद इवेंट आए, इसने काफ़ी ज़्यादा पंप करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्त 50 कावा तो ज़रूर परचेज़ करेंगे मेरे कहने पर। मेरे कम से कम अपने 300 कावा पड़े हुए हैं और मैंने सबको स्टेक पे लगाया हुआ है, इसलिए मैं आप दोस्तों को बता दूं कि इसका स्टेक से भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है 3 मंथ में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कावा का इवेंट बहुत करीब है। एक दूसरा कॉइन है जिसका इवेंट अक्टूबर में है और उसने भी काफ़ी ज़्यादा पंप करना है। दोस्तों, इवेंट वाले कॉइन को कभी मत छोड़िएगा। मैं आप दोस्तों को बता दूँ, CTSI का इवेंट है और इसने काफ़ी ज़्यादा पंप करना है। दोस्तों, उम्मीद काफ़ी है कि आप दोस्त इसे भी परचेज़ कर लेंगे। कम से कम आप 500 CTSI तो परचेज़ करेंगे मेरे कहने पे, बाकी आप दोस्तों की मर्ज़ी। छोटे इन्वेस्टर मेरे सजेस्ट किए हुए कॉइन पे आ जाएं तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन CTSI का भी इवेंट है, इसका स्टेक का इवेंट 3-4 दिन तक है और उसके बाद इसने भी काफ़ी ज़्यादा पंप करना है। इसके बाद है दोस्तों एक और कॉइन जिसका इवेंट बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, पुंडी एक्स। यार बहुत अच्छा कॉइन है और एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। 4 साल होने को हैं इसके और इसका प्रोजेक्ट भी बहुत करीब है इंशाल्लाह। इसको 4 साल हो चुके हैं और इस कॉइन से आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं अगर जे आप सही टाइम पे सही इन्वेस्ट कर लें तो। काफ़ी ज़्यादा दोस्त परेशानी के आलम में होते हैं कि यार इवेंट से पहले क्यों परचेज़ करें, ये करें, लेकिन मेरे कहने पे आप अगर इवेंट पे परचेज़ करेंगे तो ये कॉइन सबसे बेस्ट है और मेरी सजेशन इन कॉइन के लिए रिकमेंड करती है आप दोस्तों को। बाकी दोस्तों, गाला कॉइन के मुतालिक तो मैं वैसे बता देता हूँ कि इसको परचेज़ करें। BTC की कल से मूव पंप किया है इंशाल्लाह और आप देख लेंगे। बाकी DOT, DYX ये तमाम कॉइन जितने भी हैं ये काफ़ी अच्छे कॉइन हैं। और C98 ये बाई करने का टाइम है। और ITX के मुतालिक तो मैंने 0.48 पे बता दिया था कि इसको भी परचेज़ कर लें, लेकिन C98 को भी परचेज़ कर लें, ये भी बहुत अच्छा कॉइन है होल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। जिन दोस्तों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।